झारखंड के युवाओं में कला की कमी नहीं है, लेकिन एक बेहतर प्लेटफॉर्म की वजह से युवाओं की कला को स्थान नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गिरिडीह के पेंटिंग कलाकार सुमित कुंजन और 15 युवाओं की टीम ने झारखंड के वीर सपूत सिद्धू कान्हू मुर्मू का पोर्ट्रेट पेंटिंग हजारीबाग के कोलबस कॉलेज स्थित मैदान में 50 हजारीबाग वेस्ट ईस्ट के द्वारा 12,000 वर्ग फीट में तैयार कर डाली और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंटिंग कलाकार सुमित गुंजन ने बताया कि इस तरीके के पेंटिंग को तैयार कर झारखंड के वीर सपूतों के इतिहास के पन्ने को झारखंड वासियों तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी लोग झारखंड के वीर क्रांतिकारियों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। पिछले साल भी 2022 के दिसंबर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था अपनी टीम के साथ, जिसमें मैंने बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा का 11,200 स्क्वायर फीट में वेस्ट ईंटों को और पेंट को यूज़ करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, उनका मोजैक पोर्ट्रेट बनाया था। और इस बार हम हुल दिवस के अवसर पर, बल्कि 27 जून से हम यहाँ पे काम कर रहे थे, और शहीद सिद्धू और कान्हू मुर्मू जी का हमने पोर्ट्रेट बनाया, वो भी 12,000 स्क्वायर फीट में, वो भी वेस्ट ईंटों को और पेंट को यूज़ करके अपनी टीम के साथ। इस बार हमारे साथ केवल 15 लोगों की टीम थी, हम पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, रात दिन बरसात हो या कुछ भी हो। इसके पीछे जो हमारा एक सोच है वो ये है, जो पर्सपेक्टिव है, जो विज़न है, जो एज ए आर्टिस्ट, वो ये है कि हम अपने झारखंड के आर्ट एंड कल्चर को इंटरनेशनल फोरम्स तक पहुँचाएँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएँ, और हमें एक नया पहचान मिले, लोग ज़्यादा अवेयर हों झारखंड के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ऐसे ही झारखंड में आर्ट एंड कल्चर को लेकर के लोग बहुत ही कम अवेयरनेस है, अलग अलग जिलों में जो भी अवेयरनेस है वो सिर्फ रांची सेंटर्ड है। इसलिए हम उसको जगाने के लिए, लोक जागरण के लिए भी, और अपने आर्ट फॉर्म को इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाने के लिए हमने ये काम किया। ये तो पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। हम लोग पिछले 4 दिनों से बहुत ही डेडिकेशन के साथ, मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रही थी, और इसमें हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस चल रहा है। हम लोग झारखंड के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इसी के साथ हम लोग आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने झारखंड के वीर शहीदों के बारे में, झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको सबको भूल चुका, हम लोग उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू। और इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल नहीं सकता है अपने झारखंड के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बताते चले कि सुमित गुंजन के द्वारा पहले भी 11,000 स्क्वायर फीट में वेस्ट ईट के द्वारा गिरिडीह जिले में भगवान बिरसा मुंडा की पोर्ट्रेट पेंटिंग तैयार की गई थी, जिस पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।